हमारे सुरक्षा बलों को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई। दोस्तों, ये पार्ट दो वीडियो है। उम्मीद है कि आपने पार्ट एक वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा तो ये वीडियो समझने के लिए पहले पार्ट एक देखें। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि मोदी जी ढूंढ रहे हैं परमानेंट सलूशन, उसकी तैयारी शुरू हो गई है। कश्मीर के जो गद्दार अलगाववादी पाकिस्तान को समर्थन देते हैं, उनको जेल में रखा जा रहा है। उसमें यासीन मलिक एक महत्वपूर्ण अलगाववादी भी है। भविष्य में होने वाले परमानेंट सलूशन से कश्मीर में ये गद्दार अलगाववादी दंगे न भड़काए, इसके लिए इन्हें पहले से ही रास्ते से हटा दिया जा रहा है। खबरों की माने तो कश्मीर का इंटरनेट और रेडियो फ्रीक्वेंसी भी मॉनिटर और वेरीफाई की जा रही है। दूसरी एक ऐसी चीज हो रही है जिससे ये साफ होता है कि एक क्षण बहुत बड़ा होने वाला है। वह यह कि कश्मीर के भारत की बॉर्डर के लोसी से 5 किलोमीटर के अंदर के गांव को खाली किया जा रहा है। कश्मीर में प्यारा कमांडो को भेजा गया है और ऑपरेशन एट लेवल की आर्मी को भेजा गया है। ऑपरेशन एट लेवल मतलब देश की युद्ध भूमि की आर्मी, जिनके पास एडवांस वेपन्स और तकनीक होती है। अभी तक जो कश्मीर में सीआरपीएफ के जवान रहते थे, जो नॉर्मल गन्स उसे करते हैं। इतना ही नहीं बल्कि हर रोज मिलिट्री और देश के बड़े मंत्रियों की मीटिंग्स हो रही है, जिसमें देश की खुफिया एजेंसी भी शामिल हो सकती है। और इसी बीच अमेरिका ने पाकिस्तान पर रखा अपना हाथ ऊपर उठा लिया, मतलब भारत को हरी झंडी दी एक्शन की। और यही बात चीन ने भी की। और इसी बीच पाकिस्तान की आर्मी इतनी दबी हुई है कि उन्होंने खुद का फाइटर जेट ही उड़ा दिया। दोस्तों, आपको शंका हो रही होगी कि भारत और इतने सफल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को इतना समय क्यों लग रहा है बदला लेने में। तो मैं आपको बता दूं कि भारत एक खास चीज का निर्माण कर रहा है। वह क्या चीज है और कब होगा ऑपरेशन और ऑपरेशन का नाम क्या होगा, यह सब जानने के लिए देखिए पार्ट 3 और 4। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।